हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 12 है, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो प्रश्नावली है आज 12.2, इसका खंड आ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिया है यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा गया है। तो एक शंकु है, ये शंकु रहा। अब कहा गया है इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए इसको दो भागों में काटा गया है, तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात होगा। अक्ष इसको यहां से इस तरह से काट दिया गया है, अब इसके ऊपरी भाग और शंकु के आयतनों का अनुपात होगा, मीन्स ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भागों में अनुपात पूछा है। अब इसे यहां से काटने पर एक प्रॉपर्टी होती है, शंकु को जब उसके बीच बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया जाए इस आधार के समांतर, तब इसका जो आयतन होता है छोटे वाले का और इस पूरे शंकु का, तो ये छोटा वाला जो शंकु बन रहा है, मीन्स यहां पर जो शंकु बन रहा है, ये पूरे का एक चौथाई हिस्सा होता है। कितना होता है? एक चौथाई हिस्सा। तब मान लिया इसका जो आयतन है, ये पूरी जो ऊंचाई है, पहले तो ऊंचाई मान लेते हैं, ये मान ली कितनी है, h है, और तब इसकी आधी ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, h बटा दो ये रहेगी और h बटा दो ये रहेगी। अब ऊपरी हिस्से का, ऊपरी भाग का आयतन, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा तीन, इतना ये फार्मूला होता है। अब त्रिज्या, सॉरी एच है, ये कितनी है, एच बटा दो, ये यहां पर एच के स्थान पर कितना लिया जाएगा, एच बटा दो, ये ऊपरी भाग के लिए निकलाया। अब पूरे शंकु का हुआ ये, तो हम यहां पर अभी पूर्ण शंकु का आयतन हो गया इतना। तब जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग का आयतन, ये कितना होगा, एक पाई आर स्क्वायर, और ये एच बटा दो है और बटे में ये एक बटा तीन, ये रहता ही रहता है। लेकिन साथ ही साथ जो त्रिज्या है, ये भी कैसी हो जाती है, जब हम इसको निकालेंगे तो ये भी आधी हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना मिल जाएगा, एक बटा तीन पाई, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे चार, और ये एच बटा दो, तो कितना आ जाएगा, एक बटा तीन पाई, और ये हो गया आर स्क्वायर एच बटे में आठ। अब इन दोनों का आयतनों का, इस वाले हिस्से का मतलब ये फर्स्ट और ये पूरा वो सेकेंड हो गया, इन दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा है। तो ऊपरी भाग का आयतन बटे इधर पूर्ण शंकु का आयतन, इनका अनुपात पूछा है। तो कैसे, पूर्ण शंकु का ऊपरी भाग का आयतन कितना है, एक बटा तीन प,
पाई आर स्क्वायर एच बटे में आठ, इधर अपॉन में, ये है कितना एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना मिलेगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और ये एक आठ अपॉन में आ जाएंगे, तो यहां से हमें मिल गया एक अनुपात आठ, और यही इसका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो डी ऑप्शन 1:8 कैसा है, करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है, तो बेलनाकार बर्तन है बेलन के आकार का इस तरह का, अब इसमें कहा है इसकी त्रिज्या है कितनी 4 सेंटीमीटर, तो आर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है, तो ये किसके लिए हो गया, बेलन के लिए। अब इसी में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला, तो इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ये क्या है आर, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या। अब ठोस गोले की त्रिज्या, एक गोला डाला जा रहा है इसके अंदर, ठोस गोले की त्रिज्या, इसे हमने स्मॉल आर मान लिया, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें डाला गया है और कहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है ताकि वह पानी में पूरी तरह डूब जाए, तो बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई होगी, तो इसमें मान लिया यहां पर पानी है अभी, स्तर इसका ये है, अब इसमें ये गोला डाला गया है कितना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तब ये पानी कुछ ऊपर उठेगा, तो कितना ऊंचाई तक वो पानी उठ गया है वो हमें ज्ञात करना है, तो जितना आयतन इसका होगा गोले का उसी आयतन के बराबर ही पानी ऊपर उठेगा, तो यहां पर बेलनाकार बर्तन में पानी के बढ़े स्तर का आयतन कितना होगा गोले के आयतन के बराबर, गोले का आयतन, तो स्तर ये चूंकि बेलन के आकार का है तो बेलन के आकार का रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, मान लिया उसकी ऊंचाई कितनी है ये एच सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तब यहां से पाई से पाई हो गया कैंसिल, कैपिटल आर ये हमने 4 माना है, 4 है तो 4 का वर्ग है, 4 2 बार इसकी गुणा कर ली, एच ये हमें निकालना है, ये 4/3 ऐसा का ऐसा ही, आर आर क्यूब, ये स्मॉल आर कितना है 3, इसका घन है तो 3 बार गुणा, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, तो ये मिला 4h = 3 * 9, तो एच बराबर 9/4, 4 से इसे भाग दे देंगे, 4 2 8 बचा 1, पॉइंट दिया हो गया 10, 4 2 8 और 4 5 20, तो H ऊंचाई आ गई 2.25 सेंटीमीटर, मींस पानी का स्तर उस बर्तन में 2.25 सेंटीमीटर ऊपर
उठ जाएगा, तो इसमें पॉइंट में नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी, जो कि 9/4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर त्रिज्या वाले, स्मॉल आर त्रिज्या है वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन होगा। तो ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, स्मॉल आर। तो ये कुछ इस तरह का रहा होगा अर्धगोला। अब इसमें से क्या करना है, बड़े से बड़ा शंकु काटना है। तो इसे कैसे काटेंगे, बिल्कुल ऐसे ये। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसी की त्रिज्या के बराबर, आर आर ये भी आर। तो इसकी त्रिज्या मतलब ऊंचाई और त्रिज्या दोनों कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। तब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ये भी कैसी रहेंगी, दोनों ही कैसी रहेंगी, आर रहेंगी। तब हमसे पूछा है शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई ऐसा कैसा ही, आर स्क्वायर ये तो ऐसा कैसा ही। अब एच एच भी कितना है, वो भी आर है, त्रिज्या भी आर थी और जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, आर है। तब ये कितना मिल गया, 1/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ दे नहीं रखा है, तो इतना ही वर्ग मात्र सॉरी आयतन है, तो घन मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर है बी, बी जो कि है पाई आर क्यूब 3, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी अभ्यास का खंड व वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर है 1। क्या दिया है, 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 हो, तो इनके अनुपात आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, दिया है ऊंचाइयों का अनुपात। तो ऊंचाइयों का अनुपात, तो मान लिया जो त्रिज्या है सॉरी ऊंचाइयां हैं वो h1 और h2 है, तो इनका अनुपात हमें दे रखा है कितना, 1:3, या इसे हम लिख सकते हैं h1/h2 बराबर कितना, 1/3, इक्वेशन नंबर 1। तथा और क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो मान लिया त्रिज्याएं हैं वो क्या है, R1 और R2 है दोनों शंकुओं की, तब उसका अनुपात हमें दे रखा है 3:1। तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरह से, R1/R2 बराबर 3/1, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों शंकुओं के
आयतनों का अनुपात। तो मान लिया ए वन है, दूसरे का ए टू है, तो दोनों का अनुपात, तो पहले का कितना, एक बटा तीन पाई आर वन स्क्वायर एच वन अनुपात, दूसरा एक बटा तीन पाई आर टू स्क्वायर एच टू। पहले में त्रिज्या आर वन थी और दूसरे में आर टू, पहले में ऊंचाई एच वन थी, दूसरे में एच टू, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक बटा तीन पाई आर वन स्क्वायर एच वन, इधर एक बटा तीन पाई आर टू स्क्वायर एच टू, तो एक बटा तीन पाई से एक बटा तीन पाई कैंसिल, क्या बचा यहां से, आर वन बटा आर टू, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगा लिया, इनटू एच वन बटा एच टू। तो समीकरण एक से और दो से वैल्यू रख देंगे, आर वन बटे आर टू की जगह पर कितना, तीन बटा एक, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, एच वन बटा एच टू ये दे रखा है एक बटा तीन, सॉल्व कर लेंगे, ये तीन गुणा तीन बटा एक गुणा एक, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लीकेशन इसकी, एक बटा तीन, एक तीन से एक तीन कैंसिल, तो कितना मिल गया, तीन एकम तीन और एक का गुणनफल एक ही रहता है, तो अनुपात हमें मिल गया कितना, तीन अनुपात एक, और यही इसका आंसर हो गया, हमसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दो, क्या कहा है, स्मॉल आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है, अर्धगोले तथा काटे गए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये हमें दे रखी है कितनी, स्मॉल r, और इससे क्या काटना है, अधिक से अधिक आयतन वाला एक गोला काटना है, तो किस तरह से, ये ऐसा एक अर्धगोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो इधर भी ये r रहेगी, तब हमें इससे क्या काटना है, एक पूरा गोला, ठोस गोला निकालना है जिस कैसा रहे, अधिकतम आयतन वाला, तो यहां से एक गोला काटा गया तो उसका व्यास अधिकतम कितना रहेगा, इसी त्रिज्या के बराबर, यहां से जब काटेंगे तो इसी त्रिज्या के बराबर रहेगा, तो ठोस गोले का व्यास कितना रहेगा, इसी व्यास इसी त्रिज्या के बराबर, तो ये r हो गया, तो d कितना हो गया r, तब त्रिज्या मान लिया ये r1 है उसकी त्रिज्या, तब ये कितनी हो जाएगी, d बटे 2, तो r1 कितना आ जाएगा, r बटे 2, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r बटा 2। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, अर्धगोले का और काटे गए गोले का, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बटे गोले का आयतन, ये पूछा गया है, तो अर्धगोले का आयतन गोले का होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब, क्योंकि ये आधा है तो इसका आधा कर देंगे एक बटा दो। अब ठोस जो हमने काटा है उस काटे गए गोले का आयतन,
तो गोले का आयतन वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो क्या मानी है हमने यहां पर आर वन, तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 में आ जाएगा 2। ये आर क्यूब और आर वन के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 2। घात है कितनी 3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आर क्यूब इधर 2 गुणा ये कितना मिल जाएगा आर क्यूब बटे आर, ये 2 का घन होता है 8, तो आर क्यूब से आर क्यूब ये भी कैंसिल एक बार गया, ये 2 × 8 एक बार गया, तो कितना मिलेगा 1, ये 4 चला जाएगा ऊपर, बटे में यहां पर कितना बचा 1, तो अनुपात आ गया 4:1 का, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, एक घन तथा उसके अंदर पूर्णता आने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या हुआ। एक घन है इस तरह का, अब इसमें क्या करना है, एक गोला रखना है, और इस तरह का गोला रखना है कि वो इसमें आसानी से आ सके, तो इसके बराबर ही रहे, मतलब इनकी दीवारों को क्या करे, टच करता हुआ रहे, तब गोला किस तरह का रहेगा, इस तरह का, वो सब दोनों सारी तरफ से इसको क्या करेगा, टच कर रहा होगा, तो इसका जो व्यास है इस गोले का व्यास वो किसके बराबर हो जाएगा, इस भुजा के बराबर, मींस तो मान लेते हैं इसको, माना घन की भुजा, घन की भुजा मान लिया ये एस है, एस फॉर साइड, तो एस मान लिया, तब गोले का व्यास डी बराबर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी इसकी, त्रिज्या बराबर होता है d/2, तो r बराबर कितना हो गया d की जगह पर s/2, तब जो गोले का त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी s/2। अब कहा गया है दोनों का आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन और गोले का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, आर मीन्स त्रिज्या की घात 3। तो सॉल्व करेंगे, भुजा वो हमने एस मानी है, तो एस की घात 3 बटे 4/3 पाई, ऐसा कैसा ही आर के स्थान पर कितना s/2 की घात 3, सॉल्व करने पर मिलेगा s/3/4/3 पाई, और ये s/3/2 का घन होता है 8, तो ये 4 × 8, और यहां से s³ से s³ भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा है 1/2 इधर पाई, ये पाई ऊपर है तो पाई, और इधर 3 × 6 पाई/6, तो 6 कहां जाएगा इधर ऊपर, तो ये हमें मिल जाएगा 6 और पाई नीचे, 6 और पाई नीचे, तो अनुपात आ गया 6/5 का, मींस 22/7 का, तो इतना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। यदि एक शंकु तथा गोले की त्रिज्याएं तथा आयतन समान हो, एक शंकु और गोले की त्रिज्याएं और आयतन दोनों ही समान हो, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा।
तो हमें दे रखा है शंकु और गोले की त्रिज्याएं। माना त्रिज्या आर, ये दोनों के लिए ही है, गोले के लिए भी और लंबवृत्तीय शंकु के लिए भी। अब कहा गया है कि इसकी त्रिज्याएं और आयतन दोनों ही समान है, इसकी त्रिज्या तो समान है ही है और आयतन भी समान है, तब गोले का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन। ये दोनों दे रखे हैं, शंकु का आयतन ये हमें दे रखा है। तो गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 πr³, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया, और 2r हैं तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1r बचेगा। तो यहां से बचा 4r और इधर बचा कितना h। हमसे पूछा गया है गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो शंकु की ऊंचाई तो h है और इधर गोले का व्यास और निकालना है, तो व्यास क्या होता है 2 × त्रिज्या। तो इसे हम क्या करें, इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2r = h। क्यों बनाया है ऐसा, 2r किसके बराबर होता है, व्यास के, सिंस d इज इक्वल टू होता है 2r, तो इतने के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं d, तो 2r d = h। हमसे पूछा गया है व्यास और शंकु की ऊंचाई में, तो यहां पर गुणे में कर लिया 1, तो 1 इधर आएगा, सॉरी h आएगा इधर, d/h/1, इधर 1, ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहां चला जाएगा अपॉन में, और इसे हम लिख सकते हैं d/h = 1:2, और यही हमसे पूछा गया था, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्या कहा है इसमें, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, तो इसकी शंकु और त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई इन दोनों का अनुपात दे रखा है, अनुपात मतलब अपॉन में, तो त्रिज्या होती है r और ऊंचाई h, इसका अनुपात दे रखा है 3:4, तो ये हो गया 3/4, ये हमें दे रखा है। साथ ही साथ दिया है शंकु का आयतन, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो शंकु का सिंस शंकु का आयतन ये दे रखा है कितना, 301.44 घन सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और पाई का मान दे रखा है 3.14। तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 πr²h = 301.44। अब क्या करना है, हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या, तो यहीं से क्या करें r का मान निकाल लें, तब सॉरी h का मान निकाल लेते हैं h, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से r ऐसा का ऐसा ही बराबर 3/4
और h गए इधर मल्टीप्लाई में, तो यहां से h कितना मिल जाएगा, r, ये चार जाएंगे इधर गुणा में, चार r और तीन आ जाएंगे बटे में, तो h का मान मिल गया यहां से कितना, चार r बटे तीन। तब एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितनी है वैल्यू, 301.44। तो एक बटा तीन पाई का मान हमें दे रखा है 3.14, आर स्क्वायर ये ऐसा का ऐसा ही, एच के स्थान पर हमने ये निकाल लिया है 4/3 और आर बराबर 301.44। क्या मिलेगा यहां से, ये आर स्क्वायर और एक आर, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब बराबर 301.44, ये 3/3 है और 3/3 ये चले जाएंगे गुणा में, यानी 3×3=9 अपॉन में, जो इधर गुणा में है वो कहां चला जाएगा, नीचे, तो गुणा में क्या है 3.14 और ये 4, तो इनकी गुणा करा लेते हैं, या 3.14 × 4 इसे भाग देंगे, पॉइंट के बाद एक दो नंबर है, इधर भी पॉइंट के बाद दो नंबर है, कैंसिल कर दिया, 314 से 301 और ये 4 इतने को डिवाइड करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, कितना बार जाएगा 4×7=28, कितना बचा 2, 1 उतार लिया, 4×5=20, 1 बचा 4 उतार लिया, 4×3=12 है, 2 बचे 4 उतार लिए, 4×6=24, अब ये मिला 7536, इसे भाग करना है हमें किससे, 314 से, कितना 2 बार चला जाएगा, 2×4=8, 2×1=2 और 2×3=6, कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5, इधर रह गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 1, 6 उतार लिए, कितना बार चला जाएगा यहां से 4 बार, 4×4=16, 4×1=4 और 1×5, 4×3=12 है, कितना बार चला गया 24 बार, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 24। अब इनकी गुणा करा लेते हैं, 9×36, 9×2=18 और 3×21, r³, तो r³ बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 6³। तुलना करने पर यहां पर हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 6, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो ये सेंटीमीटर, और हमसे इस शंकु की त्रिज्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर की है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो अर्धगोला बनाया, ये अर्धगोला, इस पर ही एक शंकु इस तरह का रखा हुआ है। अब त्रिज्याएं इनकी 1 सेंटीमीटर की हैं, तो ये आर कितना हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या है, शंकु की भी और इस अर्ध गोले की भी, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के ही बराबर है, तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई, तो
त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ये भी हमें उसकी त्रिज्या के बराबर दे रखा है, मीन्स 1 सेंटीमीटर है। और कहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो प्राप्त ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, तो दोनों का आयतन क्या करें प्लस कर दें, जोड़ देंगे, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, अर्धगोले का आयतन गोले का होता है 4/3 πr³, और चूंकि आधा है तो इसका आधा कर देना है, मीन्स 2 × 4, तो 2/3 πr³। अब क्या करना है, यहां से πr²/3 दोनों में से कॉमन है, तो यहां से πr²/3 ये दोनों जगह से ही कॉमन निकाल लिया, यहां से क्या बचा है h और केवल h बचेगा, प्लस यहां से 2 बचे हैं और 1 r बचेगा, तो 2 r कितना मिलेगा, पाई ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि पाई के ही पदों में निकालना है, आर का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया, बट्टे में इधर 3 है, एच 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 × r त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गया पाई, 1 का वर्ग 1 ही होता है, उसके किसी के भी साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो π/3 इधर क्या मिलेगा 1 और ये 2 × 1 = 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये मिला पाई। और ये क्या पूछा गया है, आयतन, आयतन का जो मात्रक होता है वह है घन, क्यूबिक आयतन मतलब मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक कलमदान है घनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाब की बीमाएं 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तथा गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, मीन्स ये उस शंकु के आकार की है, तो गहराई का मतलब उसकी हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो घनाभ के आकार का है तो गड्ढे की त्रिज्या मीन्स शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई मींस उसकी ऊंचाई h ये कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर और ऐसे कितने गड्ढे बने हुए हैं 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, तब पूरे जो भी कलमदान बना हुआ है उसका आयतन पूछा गया है, कलमदान का आयतन कैसे निकालेंगे, पूरे जो घनाब है उसका आयतन, घनाब का आयतन, अब चूंकि ये पूरा तो है नहीं
उसमें से कुछ गड्ढे किए गए हैं तो उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना, चारों गड्ढों यानी शंकुओं, चारों गड्ढों का आयतन। तो घनाभ का आयतन यह हमें दे रखा है कितना, इसकी विमाएं दे रखी हैं, तो 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये तीनों हो गए। माइनस 4 गुणा एक, क्योंकि चारों गड्ढे एक ही नाप के हैं तो एक का निकाल के 4 से गुणा करा दे रहे हैं, तो एक गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो गया, इसकी गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा 35। तो 35 और 15 की गुणा करा लेते हैं, 5 15 5 75 हाथ से लगे 7, 15 3 45, 45 और 7 52, और एक जीरो है, एक जीरो लगाया यहां पर ये पॉइंट, तो एक 525 आ जाएगा। माइनस ये 4/3 पाई का मान दिया नहीं गया है तो 22/7 लगाएंगे। आर इसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी कितनी, 0.5, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। एच ये हमें दे रखा है 1.4, तो ये हो गया 7 × 14 है मतलब 0.2, और 3 बचा हुआ है, ठीक है, तो ये मिल गया 525 माइनस, गुणा कराएंगे तो ये 22 × 5 = 110, ये हो गया 110 इनकी और इनकी गुणा, तो 110 एक के बाद दशमलव है, दशमलव लगाया, गुणा 4 × 5 = 10 = 20, तो 20 लिखा, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 0.2 और अब बटे में 3, तो ये 525 माइनस 11, ये 11 हो गया, ये 2, तो 11 × 22, 22 × 2 कितना हो गया 44, और एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा लिया, 3 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा, ये 3 × 1 = 3, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा लिया, एक बचा, ये हो गया 14 है, तो 3 × 4 = 12, फिर 2 बचे हैं, 3 × 6 = 18, तो लगभग 1.47, तो 525 इसे हम लिख सकते हैं 525.00, इसमें से कितना माइनस करना है 1.47 के लिए, तो कितना बचेगा यहां से 3, इधर बचे 9, 9 में से 4 गया 5 बचा, इधर 4, 4 में से 1 गया 3, 523.53, 523.53, और ये सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर आंसर। ये आ गया कलमदान का आयतन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।